अंग्रेजी में एक बहुत ही चर्चित कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल हर दिन लेने पर आप बीमार नहीं होते हैं। मगर बार बार तबीयत की शिकायत करने वाली आईएएस पूजा सिंघल को एप्पल फायदा पहुंचाने की बजाय उनकी तबीयत को और नासाज कर सकता है। जी हाँ, एप्पल भ्रष्टाचार से जुड़े राज खोलने वाला है। लेकिन ये एप्पल वो एप्पल नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये तो एप्पल आधा कटा हुआ सेब है जो हर अमीरों के हाथ में उसकी शोभा बढ़ाता है। लगता है अभी भी आप नहीं समझे, दरअसल हम बात एप्पल कंपनी के आईफोन की कर रहे हैं। अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के साथ ही ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के एप्पल फोन को जब्त कर लिया था और अब यही एप्पल फोन सबका राज खोलने वाला है। जो जानकारी है उसके अनुसार ईडी ने एक नहीं बल्कि कई एप्पल फोन को जब्त किया है, जिसमें पूजा सिंघल का फोन, पति अभिषेक झा का फोन और साथ ही कई पुराने डेड फोन भी इसमें शामिल हैं। अब उन्हीं फोन के जरिए पूरा मामला खुलने वाला है। पिछले दिनों जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब यह बात तमाम अखबारों के जरिए सामने आई थी कि 2010 से ही पूजा सिंघल घपले घोटाले को अंजाम दे रही थी। इतने सालों में पूजा सिंघल ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। घोटाले की राशि नीचे से शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। तब से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड पूजा सिंघल के एप्पल फोन में है और अब इन्हीं फोन को तकनीक के मदद से खोलकर सारे राज बाहर किए जाएंगे। अब ईडी एफएसएल की टीम की मदद से बड़े सुराग निकालने में जुटी है। ईडी की टीम एप्पल के फोन से किए गए वीडियो कॉल का डिटेल्स निकालने के प्रयास में जुटी है, लेकिन एप्पल की हाई सिक्योरिटी फीचर के कारण ईडी की टीम वीडियो कॉल का डिटेल निकालने में सफल नहीं हो सक रही है। अब टीम एप्पल के कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय से संपर्क साधने के बारे में विचार कर रही है, जिसमें एप्पल के फेस टाइमिंग ऐप के डिटेल्स निकाली जा सके। आपको बता दें कि ईडी की शुरुआती पूछताछ में दो खनन पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश के अनुसार वसूली होती थी, नकदी कई माध्यमों से पहुंचाई जाती थी, जिसमें खनन सचिव पूजा सिंघल की सहभागिता थी। पूछताछ में बताया गया कि एक जिले से रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। इसी क्रम में लोगों की हिस्सेदारी ऊपर से नीचे तक तय थी। फिलहाल पूजा सिंघल से ईडी कार्यालय में पूछताछ लगातार जारी है। उनका बीपी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। अखबारों में छपी खबर के अनुसार पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल लगातार बेहोश हो रही है। पूजा सिंघल का चेकअप करने हर दिन 3 बार सदर अस्पताल के डॉक्टर की टीम पहुंच रही है। इसलिए कहा जाता है, खाइए उतना ही जितना पच जाए, ज़्यादा खाने से अपच हो जाता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एप्पल पूजा सिंघल की तबीयत पर भारी पड़ता दिख रहा है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.